तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स ने चैम्प से ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सीख ली थी, जिसके बाद एलेक्स जेसिका और बाकी सबके साथ अपने पैलेस में आ गया था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को स्टोन विलेज में ही छोड़ देता है ताकि वो दोनों स्टोन विलेज को प्रोटेक्ट कर सके। इधर वो वॉर स्टार्ट हो जाती है और हेवनली आर्मी भी स्काई में बने पोर्टल की दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है, जिसके बाद उस पोर्टल से एक स्पिरिट हैंड आया था जो सी किंगडम पर बनी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, पर तभी वहाँ गॉडली आ गई थी जिन्होंने उस हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में कॉल गॉडली से कहता है कि एंशिएंट टाइम में किसी ने मेरी बॉडी का कुछ हिस्सा चुरा लिया था, तो क्या आप उसे वापस पाने में मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि वो पर्सन आज यहाँ पर फाइट के लिए अपर वर्ल्ड से आने वाला है। इस पर गॉडली कॉल की मदद करने के लिए मान जाती है। तभी कॉल एलेक्स से कहता है कि अगर तुम्हें अभी घबराहट हो रही है तो मैं तुम्हें अपर वर्ल्ड में भेज सकता हूँ, क्योंकि इस वॉर के बाद किसी पर्सन का अपर वर्ल्ड में जाना या किसी का वहाँ से यहाँ आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर एलेक्स कॉल से बोलता है कि मेरे सर पर सी किंगडम को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, ऊपर से मुझे अभी भी लोअर वर्ल्ड में कुछ काम करना है, इसलिए मैं अपर वर्ल्ड नहीं जा सकता। इस पर कॉल एलेक्स से कहता है कि ठीक है, तो तुम सी किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करो और हम अपर वर्ल्ड के लोगों को देखते हैं। उसी वक्त स्काई से नेदर चैनल लोअर वर्ल्ड में ओपन होने लगता है, जिसे देखकर कॉल हैरान हो जाता है। तभी गॉडली एलेक्स से कहती है कि जल्द ही वॉर स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि वॉर के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर एलेक्स गॉडली से पूछता है कि वो ट्रू प्रिमोडियल रिकॉर्ड्स चैप्टर 1 को कैसे समझ सकता है, जो उसे सन गॉड ट्री के पैलेस में मिला था। इस पर गॉड ड्यू एलेक्स को बताती है कि प्रिमोडियल चैप्टर 1 को समझने के लिए तुम्हें एक सर्टेन लेवल पे पहुंचना पड़ता है, तभी तुम उसे समझ पाओगे, पर अगर तुम उसे पहले ही समझना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए माइरियाड सोल मैप की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हें डेंजरस सिचुएशंस में भी हेल्प करेगा, लेकिन उस माइरियाड सोल मैप को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। उसी वक्त उस नेदर चैनल की मदद से अपर वर्ल्ड से वहाँ एक बंदा आता है और अपने 4 क्लोन्स बनाकर गॉड ल्यू को घेर लेता है, जिसे देखकर कॉल बोलता है कि 5 एलिमेंट्स बॉडी बनाना तो गॉड ब्लाव का सीक्रेट मेथड है। ये सुनकर एलेक्स कॉल से बोलता है कि कहीं ये बंदा गॉड ब्लाव ही तो नहीं, या फिर ये उसकी डुप्लीकेट बॉडी है। इस पर कॉल एलेक्स को बताता है कि ये गॉड ब्लाव की डुप्लीकेट बॉडी नहीं बल्कि ओरिजिनल बॉडी है, क्योंकि मैंने सुना है कि गॉड ब्लाव 5 बॉडीज में डिवाइड हो सकता है, उसका डुप्लीकेट नहीं, जिसकी वजह से गॉड ब्लाव बहुत ही स्ट्रांग है और उसे हराना बहुत ही मुश्किल है। इधर वो बंदा यानी गॉड ब्लाव चारों ओर से गॉड ल्यू पर अटैक करता है, लेकिन गॉड ल्यू अपने स्पिरिट लीव्स की मदद से उसके सभी अटैक से बच जाती है और गॉड ब्लाव के 2 क्लोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर गॉड ब्लाव हैरान हो जाता है। इधर ये देखकर कॉल भी चौंक गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि गॉड ल्यू सिर्फ अपने एक अटैक से गॉड ब्लाव के 2 क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसी वक्त आसमान में हलचल होने लगती है, जिसके बाद अपर वर्ल्ड से एक और बंदा पोर्टल के थ्रू लोअर वर्ल्ड में आता है, जो अपर वर्ल्ड की यिंग यांग एकेडमी का डीन था। तभी उस डीन को देखकर कॉल कहता है कि ये वही बंदा है जिसके पास मेरी लोअर बॉडी है। इधर गॉड ल्यू को भी याद आता है कि इसी डीन ने गॉड ल्यू के पिछले वर्ल्ड की किंगडम डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसमें वो रहती थी। उसी वक्त कॉल ये कहते हुए उस डीन पर अटैक कर देता है कि मुझे मेरी बॉडी वापस दो, पर वो डीन कॉल के अटैक को बड़े ही आराम से रोक लेता है। अब वो डीन कॉल पर कई सारे फायर बॉल्स फेंकता है, लेकिन गॉड ल्यू कॉल के सामने आ जाती है और अपनी एनर्जी बॉल से उन सभी फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये देखकर वो डीन एक यिंग यांग क्लाउड बनाता है और उस क्लाउड की एनर्जी की मदद से गॉड ल्यू पर अटैक करता है, पर गॉड ल्यू शील्ड बनाकर उस अटैक से बच जाती है और उस डीन से कहती है कि तुम अपनी करंट पावर से मुझसे नहीं लड़ सकते हो, इसलिए हार मान लो। इस पर वो डीन गॉड ल्यू से कहता है कि तुम्हारे बस एक अटैक रोकने से ये साबित नहीं हो जाता कि तुम बहुत ताकतवर हो। ये सुनकर गॉड ल्यू उस डीन के चारों ओर एक फील्ड बनाती है, जिसकी वजह से वो डीन हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी गॉड ल्यू उस डीन के ऊपर और नीचे 2 बड़ी बड़ी एनर्जी बॉल बना देती है और उन दोनों एनर्जी बॉल्स के बीच उस डीन को दबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीन शील्ड की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, पर गॉड ल्यू ये देखकर अपने एक स्लैश अटैक से उस डीन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब उस डीन के मरते ही कॉल की बॉडी का बाकी हिस्सा नीचे गिरने लगता है, तो कॉल उसे लेने के लिए जाने लगता है, पर तभी वहाँ अपर वर्ल्ड से 2 एल्डर्स आकर कॉल को ऐसा करने से रोकते हुए खुद वो दूसरा हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, पर ये देखकर कॉल बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी ड्रैगन बुल और बर्ड बी स्पिरिट बाहर निकालकर उन एल्डर्स पर अटैक कर देता है,
इस तरफ एक एल्डर वर्मिलियन गोल्डन ब्लैक बर्ड और गॉड बिलाओ अपने तीनों क्लोन्स के साथ गॉड ल्यू को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ कॉल देखता है कि उसकी बॉडी का दूसरा हिस्सा बोल पा रहा था, जिसका मतलब था कि उस डीन ने उसकी दूसरी बॉडी की सोल को जगा दिया था, जिसकी वजह से वो दूसरा हिस्सा कॉल से दूर भागने लगता है। तो ये देखकर कॉल एक बड़ी सी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उन सभी एल्डर्स को साइड कर देता है और अपनी दूसरी बॉडी के पीछे भागने लगता है। तो ये देखकर वो सभी एल्डर्स और गॉड बिलाओ भी कॉल के पीछे जाते हैं, जहां गॉड बिलाओ कॉल के सामने फाइव एलिमेंट्स माउंटेन बना देता है, जिसकी वजह से कॉल उस माउंटेन से टकरा जाता है। तभी वो एल्डर्स भी कॉल पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से कॉल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और नीचे गिरने लगता है, पर गॉड ल्यू कॉल को नीचे नहीं गिरने देती। तभी उन एल्डर्स में से एक अपने एक बेल ट्रेजर की मदद से कॉल के दूसरे हिस्से को हथियाने की कोशिश करता है, पर गॉड ल्यू ये देख लेती है और अपने एक अटैक से उस बेल ट्रेजर को रोक कर उन एल्डर्स को पीछे कर देती है। ये देख कर वो एल्डर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा था जो उस बेल ट्रेजर को रोक सके। इधर गॉड ल्यू कॉल के उस दूसरे पार्ट को उसकी बॉडी से अटैच कर देती है, जिसकी वजह से कॉल के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो होश में भी आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि अब मेरी पूरी बॉडी कंप्लीट हो गई है, अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझसे लड़ पाता है। ये सुनकर वो एल्डर्स अपनी स्पिरिट बॉडी बना लेते हैं और एक साथ कॉल पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ अपर वॉल से बहुत सारी फायर बॉल सी किंगडम पर गिरने लगती है, जिसकी वजह से सी किंगडम की शील्ड भी टूट जाती है और किंगडम के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उसी वक्त एलेक्स किंगडम के लोगों को बचाने के लिए सी किंगडम की शील्ड के ऊपर अपनी शील्ड बना देता है। इधर हम कॉल को देखते हैं जो उस अटैक से बच गया था और अब वो उस ब्लैक बर्ड से लड़ रहा था, जहाँ लड़ते हुए वो उस बर्ड से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी पूरी बॉडी की पावर। अब ये कहते हुए कॉल उस पूरे ब्लैक बर्ड को ही निगल जाता है। इस तरफ उनमें से एक एल्डर गॉड ल्यू के पास आकर उन्हें फोर साइडेड किलिंग फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। तो ये देखकर कॉल गॉड ल्यू को बचाने के लिए जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉड ल्यू मुसीबत में है। पर तभी आसमान पूरा ग्रीन हो जाता है, जिसके बाद गॉड ल्यू वहाँ एक प्रिमोडियल वर्ल्ड का पोर्टल ओपन करती है और उन एल्डर से कहती है कि यहाँ इनोसेंट लोग रहते हैं, इसलिए तुम लड़ने के लिए मेरे साथ पोर्टल के अंदर चलो। पर वो लोग इसके लिए नहीं मान रहे थे, तो गॉड ल्यू उन लोगों को जबरदस्ती पकड़कर पोर्टल में ले जाती है, जहाँ जाने से पहले वो एलेक्स की तरफ देखती है। अब अपर वर्ल्ड के लोगों के वहाँ से जाने की वजह से आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और सी किंगडम के लोग राहत की सांस लेते हैं। इधर एलेक्स सी किंगडम के लोगों की हालत देखता है, जो फायर बॉल्स की वजह से खराब हो गई थी। तो ये देखकर एलेक्स कहता है कि पता नहीं ये अपर वर्ल्ड के लोग ऐसा क्यों करते हैं। तभी जेसिका एलेक्स से कहती है कि अगर तुम्हें अपर वर्ल्ड के लोगों के बारे में और जानना है तो तुम्हें माउंट हीविंग पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक मीटिंग होने वाली है। अब जेसिका रेस्ट करने के लिए एलेक्स के ब्रॉन्ज बॉक्स में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ वही इमोर्टल क्रिएचर आता है, तो एलेक्स उसे देखकर कहता है कि अपर वर्ल्ड के लोगों से तो तुम लड़ना चाहते थे, तो फिर तुम यहाँ वॉर खत्म हो जाने के बाद क्यों आ रहे हो? ऊपर से तुम अभी गॉड ल्यू की मदद करने के लिए प्रिमोडियल वर्ल्ड में क्यों नहीं गए? ये सुनकर वो क्रिएचर कहते हैं कि जब गॉड ल्यू ने प्रिमोडियल वर्ल्ड का पोर्टल ओपन किया था तो मैंने उसमें अपनी स्पिरिट बॉडी भेज दी थी, क्योंकि मुझे यहाँ आने में देर होने वाली थी। ये सुनकर एलेक्स उससे पूछता है कि तो क्या तुम बता सकते हो कि वो इस वक्त कैसे हैं? इस पर वो क्रिएचर कहता है कि मैं वो तो नहीं बता सकता, पर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों बहुत स्ट्रांग है। ये सुनकर एलेक्स मन में कहता है कि मैं होप करता हूँ कि आप दोनों ठीक होगे और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तभी वो क्रिएचर एलेक्स से कहता है कि मैंने अभी सुना था कि तुम माउंट हीविंग की मीटिंग के लिए जा रहे हो। इस पर एलेक्स बोलता है कि मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। ये सुनकर वो क्रिएचर एलेक्स से कहता है कि तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी। इस पर एलेक्स पूछता है कि कैसी हेल्प। ये सुनकर वो क्रिएचर एलेक्स को बताता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे माउंट हीविंग आऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ किसी को पकड़ना है जो मेरा शिकार है। तो ये सुनकर एलेक्स वहाँ जाने के लिए मान जाता है। आगे हम माउंट हीविंग को देखते हैं, जहाँ पहले से एडन, साशा और बाकी लोग आए हुए थे। तभी वहाँ एलेक्स भी आ जाता है, तो उसे देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी काई एलेक्स से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ अपर वर्ल्ड चलना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पिछले 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम्हारे लिए अब यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बचा है। तभी साशा हंसते हुए काई को छेड़ने के लिए एलेक्स से कहती है कि एलेक्स तुम हमारे साथ अपर वर्ल्ड चलो, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी वजह से कोई और अपर वर्ल्ड जाने से मना कर दे। ये सुनकर काई साशा को मारते हुए बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी।
तभी एलेक्स उन तीनों से कहता है कि तुम्हारे ऑफर के लिए शुक्रिया, पर अभी मैं लोअर वर्ल्ड की चीजों से बहुत अटैच्ड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपर वर्ल्ड नहीं चल सकता। उसी वक्त वहाँ जेसिका की फर्स्ट बॉडी और फॉक्स कल आ जाती है, जहाँ एलेक्स को देखकर फर्स्ट बॉडी को पिछली फाइट याद आने लगती है, इसलिए वो एलेक्स को मारने के लिए अपना अटैक तैयार करने लगती है। उसी वक्त साशा उसे कहती है कि हम यहाँ अपना अपना एक्सपीरियंस बांटने आए हैं, इसलिए तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे सबका मूड खराब हो जाए। ये सुनकर फर्स्ट बॉडी अपना अटैक रोक देती है। तभी फॉक्स गर्ल फर्स्ट बॉडी को गुस्सा दिलाने के लिए बोलती है कि मैंने र्यूमर सुने हैं कि किसी लड़के ने हाल ही में फर्स्ट बॉडी को बुरी तरह हरा दिया था। ये सुनकर वहाँ बैठे बाकी सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बॉडी का काफी नाम सुन रखा था और उन्हें नहीं लगता कि फर्स्ट बॉडी एक मामूली लड़के से हार जाएगी। इधर एलेक्स इस सिचुएशन को संभालने के लिए फर्स्ट बॉडी को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है कि वो लड़का मैं ही हूँ, पर हम दोनों बस आपस में मजाक कर रहे थे, वो कोई सीरियस फाइट नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हम यहाँ एक साथ नहीं खड़े होते। ये सुनकर फॉक्स कल एलेक्स से कहती है कि चलो तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ कि वो बस मजाक था। इधर बाकी सब भी नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फर्स्ट बॉडी सीरियस होती तो एलेक्स को नहीं हटा पाती। उसी वक्त वहाँ एक बंदा खड़ा होकर जेसिका को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि भले ही एलेक्स ने मजाक में ही फर्स्ट बॉडी को हराया हो, पर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए अब एलेक्स को मरना होगा। तभी वो बंदा अपना लेवल शो करता है, जो कि 7th लेवल ऑफ कल्टीवेशन यानी डिवाइन फ्लेम लेवल था, जबकि एलेक्स तो 5th लेवल यानी फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर था। अब उस बंदे के एलेक्स को चैलेंज करते ही ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।